वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नुपुर शर्मा इस समय सुर्खियों में हर तरफ छाई हुई है, चाहे देश हो चाहे विदेश। एक अकेली लड़की ने पूरे 56 देशों को हिला कर रख दिया। अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गुरुवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये प्रदर्शन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सस्पेंड करने के कुछ दिन बाद की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। प्रदर्शनकारियों ने सिर पर टोपी और लुंगी पहनकर नेशनल हाईवे पर हंगामा किया। इस दौरान उन्हें इस्लामी नारे और टायर भी जलाए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप आसमान में काला धुआं फैलते हुए साफ देख सकते हैं। यहाँ सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई आगजनी और रात 9:30 बजे तक चलती रही। इसकी वजह से 5 घंटे तक यहाँ पर पूरी तरीके से जाम लगा रहा। कई लोगों को अपनी गाड़ियाँ छोड़कर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 20 किलोमीटर तक यातायात ठप रहे। आने जाने वाले लोगों को ही परेशानियों की बेपरवाह भीड़ ने सड़कों पर कब्जा जमाए रखा। हावड़ा में यातायात को लगभग ठप करने वाली भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे दूसरे राज्यों में जाकर प्रदर्शन करने और लोगों को जीवन बाधित करने के लिए कहा है। मतलब दीदी को जो उत्पात हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं है। उन्हें साफ प्रदर्शनकारियों को बोल दिया। टोपी वालों को बोला कि आप जाकर कहीं और प्रदर्शन करिए। इससे उनमें और मनोबल बढ़ गया और इसी वजह से बंगाल लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट, वीके न्यूज़।